भैया बहनी राम राम। विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मायके में हम लोग 3 दिन बीत चुका है और अब हम लोग चलेंगे घर पे। तो अपने मायके का चलते हूँ, आप सबको रूम दिखाऊंगी। सब लोग यहाँ पर बैठते हैं और बातचीत करते हैं। सुबह अंदर में से मैं निकलती हूँ, ये साइड गली आ रहा है। तो सबसे बड़ा रूम यही है हमारे भाई का। ये भाई हमारे भाभी बाहर रहते हैं, जब वहां से आते थे तो इसी रूम में रहते हैं। इस समय दोस्तों बारिश हो रहा है और सारा सामान बिखरा हुआ है और बड़ा सा देखिए मेरे भाभी का बेड है। हम लोग आते थे इसी बेड में, सब बहन लोग सब बातें चीते करते थे। हम लोग का रूम यही है। तो इस साइड टीवी है। अब चलते हैं हम दूसरे रूम में, भाभी का हमारा अलमारी है। तो एक रूम इस साइड है। बच्चे सब इसमें पढ़ते हैं, एक बच्चे इस साइड पढ़ते हैं, एक बच्चे इस साइड पढ़ते हैं, एक बच्चे उस साइड पढ़ते हैं। अभी साइड बच्चे सब खाना खा रहे हैं। तो चलो हम दूसरे घर में चलेंगे। तो ये हमारा रूम बड़ी भाभी का है और इसमें देखिए दोस्त ने तख्ता रखा हुआ है, सब लोग इसमें बैठते हैं और टीवी भी देखते हैं। इस साइड मेरी भाभी है। तो ये हमारे बड़े भाई हैं, वो खाना खा रहे हैं। मेरे बाबू है घर के रूम में गए हैं अंदर। तो ये हमारी भतीजी का रूम है, इसमें जैसे लड़की लोग पढ़ती हैं। इस साइड देखिए एक बहन इससे पढ़ती है, एक बहन इससे पढ़ती है। भाभी हमारा ढेर सारा सामान रखे है। तो हमारे भतीजी का रूम है, इसमें फ्रिज रखा हुआ है और इस साइड पढ़ती है। जब भतीजी लोग बाहर पढ़ती थी तो इसी में सब सामान लेके बाहर गई थी। इसमें लॉकडाउन से सब घर पे आ गए हैं और सारा सामान बाहर से घर पे आ गया है। इसमें मेरी भाभी किचन का सामान रखे हैं, जैसे दाल चावल आटा। काफी अच्छे से व्यवस्था घर पे किए हैं क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल नहीं है तो घर पे बहुत अच्छे से व्यवस्था करके पढ़ती है। दो से अलमारी है, इसमें 3 दिन खाना बना हुआ है, ढेर सारा सामान रखा हुआ है। आप सबको दिखाते हैं, देखिए गल्ला है, देखो काफी सुंदर भी लग रहा है। देखिए तो ये बच्चों का बैंक है, काफी सुंदर भी लग रहा है। बच्चे इसमें पैसा भी रखते हैं, अच्छा भी लग रहा है इसको देखिए। तो चलो मायके के रूम में चलेंगे, मम्मी के वहां घूम सकते हैं। ये भाभी वाला रूम है, चलेंगे मम्मी के रूम में। मेरी मम्मी का रूम है, इसी में मेरी मम्मी सोती है जैसे, और ठंडी ओंडी में नहीं, वहाँ बरामदा में रहती हैं। और इस समय मेरे लोग आए हैं तो मम्मी के रूम में हैं। और ये देखिए साइड मेरी मम्मी क्या रखी हैं। तो मेरी मम्मी ये देखिए इसमें थाली में जामुन रखे हुए हैं, जो डाल से कोपर हमारे बगीचे में गिरता था, मम्मी पापा वहाँ पर रहते हैं। और देखिए कोपर बिन बिन के यहाँ पर इकट्ठा करे हैं। तो इस साइड देखिए मेरी मम्मी सब सामान वहाँ रखे हुए हैं। मेरी मम्मी का संदूक है, तो अंदर देख लीजिए मेरी मम्मी क्या रखी हैं। घी वो रखे हैं खाने के लिए। तो इस साइड भगवान है, एक स्थान पे इसमें रखा हुआ है, भगवान है मम्मी के रूम में। सब लोग यहाँ पर सुबह नहा कर पूजा करते हैं मम्मी के घर में। एक हमारे बाबू ने ढोलक लिया है, जैसे पूजा वूजा होता है, पूजा में ढोलक लगती है, तो इसके लिए मेरे पापा ने लिया है।
और एक देखिए बगल में एक खिड़की है और खिड़की बहुत ज्यादा रोशनी आती है, हवा भी लगता है ठंडा ठंडा। तो मम्मी के रूम में दो अलमारी है, सारा सामान मम्मी अच्छे से रखी हुई है। और इस साइड हमारे बाबू ने कपड़ा रखा हुआ है कटी। तो मम्मी हमारे कमरे में आ गई हैं और बाबूजी खाना खा रहे हैं, मम्मी भी खाएंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और हमारे बाबूजी इस साइड खाना खा रहे हैं। ये वाला देखिए मेरे भाई बना रहे हैं किचन, बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। अभी टाइल्स लगना शुरू हो गया, अभी मिस्त्री नहीं आए हैं, काम चालू है इसमें का। इस साइड बनवाए हैं जैसे इसमें नल लगा रहेगा, सब हाथ से धोएंगे इसमें। तो जब बन जाएगा दोस्तों बहुत ही सुंदर लगेगा किचन। अब आप सब लग चलेंगे छत के ऊपर। तो इस समय बारिश चल रही है और सीढ़ी पे देखिए अभी अच्छे सेट नहीं हुआ है, तो सीढ़ी पे पानी आ रहा है। सीढ़ी वाला रूम अभी तैयार नहीं हुआ है और जो बारिश का पानी है थोड़ा अंदर चला जाता है। चलो ये देखिए नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बारिश हो रही है, मैं आप लोग दिखाती हूँ छत से, बहुत ही अच्छा अच्छा आम का फल लगे हुए हैं। ये भाभी लोग हमारे ढेर सारा ईंधन रखे हैं रस्सी बनाने के लिए। बारिश हो रहा है, हम लोग बारिश में मस्ती कर रहे हैं और साथ में मेरी बहन है और मायके का नज़ारा कहीं दूसरा रहता है। हमारे छत में एक आमड़ा का इसमें पेड़ आया हुआ है और काफ़ी अच्छे से फल घौदे घौदे लगे हुए हैं, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। और साथ ही ऊंचाई पर है, मैं आप लोग को पास से दिखाते हैं, कोशिश करेंगे। हम लोग जो समोसा बनाते हैं और ब्रेड बनाते हैं तो इसी का चटनी पीस के बना के तैयार कर लेते हैं छत पे आकर। देखिए छत पे आंवला का देखिए इसमें ढाई आया हुआ है, अभी इसमें फल लगा नहीं हुआ है। अभी किसने कहेंगे क्या पंजाब में काम करवा देते हैं। और हमारे छत से काफी बगीचे का हरियाली देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है और काफी दूर तक में है। आम का फल बहुत ही अच्छे लगा हुआ है। तो इस साइड थोड़ा खुला एरिया है, देखने में काफी दूर तक नजारा अच्छा लगता है। तो क्या बताऊँ दोस्तों, बचपन का जो ये देखिए घर में काम होता है दोस्तों। जब हम भाई बहन छोटे थे और तो हमारे बाबूजी के दो खपड़ा का रूम था और उसी में सब लोग मिल के रहते थे, एक में सारा सामान रहता था, सब एक में ही रहते थे। और ये मेरा भाई अच्छे से पढ़ाई किया और अच्छे से अपना गृहस्थी बनाया और भाई ने अच्छे से कमाया और रूम काफ़ी ज़्यादा रूम बनवा दिया भैया, जिसे इसको नीचे रूम है और एक तरह और रूम बनवाए हुए हैं। वहाँ छप्पर का घर था, रात में बारिश होने लगती थी, भाई बहन मिलकर पारी के पारा जिससे घर में पानी जम जाता था, हम लोग बल्टी बल्टी से बाहर निकालते थे। तो दोस्तों हम लोग काफ़ी नैहर पे आके बहुत खुश रहते हैं कि मेरे मायके इतना ज़्यादा रूम हो गया है, इतना ज़्यादा मतलब व्यवस्था नैहर पे हो गया है। तो हम लोग जब मतलब मेरा घर जब अच्छे से मायके के बन गया है तो हम लोग आते हैं, कभी छत पर भी डोलते हैं, फिरते हैं, नीचे भी रहते हैं और भी बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। भगवान करे ऐसे सबका रोजी रोटी बना रहे, सबको कमाए, सब अच्छे से घर बनवाए दोस्तों। अब जब मेरी छोटी बहन दूसरे का घर बनवाती है, गरीब लोगों का, तो हमारा वही बचपन का याद बहुत ज़्यादा ताज़ा हो जाता है कि ऐसे ही एक दिन अपना घर था। भगवान सबका दुख दूर करें। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के संग, तब तक के लिए राम राम।